समय सार जी में अध्याय के नाम तो हैं नव तत्व या नव पदार्थ। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार एक अलग है कर्ता कर्म है, बाकी नव पदार्थ के नाम है। लेकिन समय सार जी परमात्म पुण्य का स्वरूप नहीं बताता है, पाप का स्वरूप नहीं बताता है, आश्रम का स्वरूप नहीं बताता है, आश्रम की भेद प्रभेद नहीं बताता है, संभव के स्वरूप संभव के भेद प्रवेश ये नहीं बताता है, निर्जरा मोक्ष ये कुछ नहीं बताता। समय सार जी पूरे ग्रंथों से अलग इसलिए है कि ये केवल ध्रुव को बताता है, इसलिए पुण्य पाप अधिकार में ध्रुव कैसा दिखाई देता है ये बताए। सारा जगत पुण्य को भला और पाप को बुरा कहता है, लेकिन समय सारी परमात्म ध्रुव के लिए पुण्य पाप दोनों को भला नहीं कहता। शैली ये है, बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति करने में पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है, दोनों का अंतर समझ लेते हैं। लेकिन ध्रुव में रमने के लिए ध्रुव में अनुभव करने के लिए पुण्य पाप दोनों भले नहीं है। जब हमको प्रवृत्ति करनी है तो समिति ही करनी है, कोई प्रवृत्ति नहीं करना तो भुक्ति करनी है, समिति और भुक्ति। समय सारजी गुप्ति का ग्रंथ है, समय सारजी समिति का ग्रंथ नहीं है। हमने पहले इसलिए बता दिया कि अब आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो लोग समय सारजी को निश्चय का ग्रंथ कह सकते हैं, निश्चयवासी का ग्रंथ कह सकते हो, एकांत भी कह देंगे लोग, एकांत एकांत है इसमें, एकांत एकांत। तो पहले ही समझ लो समय सारजी ग्रंथ कैसा है, यह समिति का ग्रंथ नहीं है, ये गुप्ति का ग्रंथ है। आपका मन शांत करके गुप्त होना हो, वचन शांत करके गुप्त होना हो, काया को शांत करके गुप्त होना हो, और ऐसा ग्रंथ, इसलिए सबसे अलग ग्रंथ है। पहला ग्रंथ है जो इस तरह का लिखा गया, वो पहले सबसे पहले, इसके बाद सारे ग्रंथ इसको देखने के लिए वो अलग बात है। इसके पहले सारे ग्रंथ पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा कहने वाले थे, ये ग्रंथ एकदम अलग है, इसीलिए इसमें पुण्य प्रकृतियां पुण्य क्रियाएं स्वभाव वो नहीं मिलेगा। केवल ये सिद्ध करना है कि ध्रुव स्वभाव का अनुभव करने के लिए पुण्य पाप दोनों ही हैं।
समान है, बंध के कारण है, दुख के कारण है। क्या कहा? पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण है, दुख के कारण है। पुण्य से दुख होता है कि नहीं होता है? अब जब तक देह में मूर्छा बुद्धि है, देह में ममत बुद्धि है, पुण्य अच्छा लगेगा, और जिस दिन देह से वेद विज्ञान होगा और ध्रुव अच्छा लगेगा, उस दिन से पुण्य कभी अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। यदि आपको भगवान आत्मा समझ में आ गया, ध्रुव समझ में आ गया, तो आपको पुण्य अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। बहुत सरल दृष्टांत पहले दिए, अभी फिर दे रहे। यदि आपको रसगुल्ला खाने में इंटरेस्ट है तो रसगुल्ले की प्रशंसा से चिढ़ होगी। क्या बोला? यदि रसगुल्ला खाने का इंटरेस्ट है तो रसगुल्ला की प्रशंसा सुनने से चिढ़ होगी। क्यों चिढ़ होगी? निंदा तो सुनना ही नहीं हमको, लेकिन प्रशंसा सुनने में भी टाइम खराब नहीं करेगी। खाने की रुचि है ना उसको, रसगुल्ला रखा है वहां, बोले खाओ मत, एक घंटा तारीफ सुनो, तो कैसी लगेगी बोलो? उसको रसगुल्ला खाने की रुचि है, उसको कहो एक खाना नहीं, एक घंटा तारीफ सुनो पहले। तो क्या तुम तारीफ क्यों सुना रहे हो? खाने दो ना मुझे। तो तारीफ भी नहीं सुन पाया। ऐसे शुद्धात्मा के रसिया को पुण्य अच्छा नहीं लगता, उसे पुण्य की क्रिया भी अच्छी नहीं लगती, पुण्य की भावना भी नहीं होती, पुण्य पुण्यात्मा को देख के खुश भी नहीं होता है। क्या बोल रहा हूँ? पुण्यात्मा को देखकर खुश भी नहीं, खुश भी नहीं होता है। पाप क्षेम रस्तु तो है आशीर्वाद, लेकिन पुण्य करो तू नहीं लिखा, पुण्य करो ये नहीं। पाप का क्षय हो जाए तेरा, ये तो है, पाप का क्षय हो। इनमें से नहीं समझ में आए तो उसके दृष्टांत दे देंगे, समझा देंगे। अब जितनी बात बात बोली, अच्छी चीजों की एक्सपायरी है, बुरी चीजों की एक्सपायरी नहीं होती। आपने जहर पे कभी लिखा देखा है एक्सपायरी? जहर के ऊपर एक्सपायरी नहीं लिखी। दूध की एक्सपायरी है 24 आवर, दही की एक्सपायरी है 24 आवर, हर अच्छी चीज की एक्सपायरी है। ऐसे पुण्य की एक्सपायरी है, लेकिन पाप की एक्सपायरी नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा जीव पाप का फल भोगता है। क्या कहा? क्योंकि वो एक्सपायरी नहीं होता, पुण्य करने पर भी एक्सपायर हो जाता है, पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है। ज्यादा पुण्य होगा तो पाप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन पाप का फल भोगना पड़ेगा। गाड़ी समझ आ रहा है? यदि कितना ही पुण्य कर ले यार, ज्यादा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपायरी है। आप स्वर्ग में कितना जा सकते हो? मनुष्य में कब तक रह सकते हो? इसके बाद तो निगोद जाना है, और निगोद में जाने का काल अनंत है। निगोद का कोई गारंटी नहीं कि नहीं तू 10,000 साल के लिए जाएगा, 1 करोड़ साल के लिए जाएगा, 1 सागर के लिए जाएगा, वहां कोई गारंटी नहीं है। वहां तू अनलिमिटेड जा सकता है। क्यों? क्योंकि पाप की एक्सपायरी नहीं है। पाप क्यों होता है कि बिना निगोद में कैसे रहेगा अनंत काल? पाप का उदय हो, खत्म हो जाए, तो पाप के अभाव में तो निगोद में नहीं रह सकता ना वो। तो पुण्य की एक्सपायरी है, स्वर्ग लिमिटेड है, निगोद अनलिमिटेड है। इसीलिए प्रवृत्ति करते समय तो ये विचार ध्यान में रखने की बात है कि पाप एक्सपायर नहीं होता, लेकिन पुण्य एक्सपायर होता है। ये बात मैंने क्यों समझाई? इसीलिए हमें पुण्य अच्छा नहीं लगता। ज्ञानियों को पुण्य अच्छा नहीं लगता, पुण्य क्रियाएं अच्छी नहीं लगती हैं, पुण्यात्मा अच्छे नहीं लगते हैं, पुण्य के फल वाले जीव भी अच्छे नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्यों? हमें मालूम है ये पुण्य के उदय में डूबा हुआ अंबानी, टाटा बिरला ये बेचारे
हाँ क्या मिला है? राजेश्वरी सो नर्गेश्वरी, राजेश्वरी सो नर्गेश्वरी है। अरे रे दया आती है, ये पांच दिन चकाचौंध देख रहा है, भौतिक बात का सुख देख रहा है, पांच इंद्रिय का सुख देख रहा है, लेकिन ये तो मर करके अरे बनारसी दास जी देखिए नाटक समय सार शब्द लिखे हैं। धर्मात्माओं को, धर्मात्मा किसको कहना? जिसको इंद्र के ऊपर दया आती है। चक्रवर्ती की संपदा काग बीट सम गिनत हैं, चक्रवर्ती की संपदा काग बीट कौवा की बीट जैसा गिनते हैं। पुण्यात्माओं की मित्रता मित्रता मृत्यु जैसी लगती है। क्या कहा? पुण्यात्माओं की मित्रता समीपता परिचय मृत्यु जैसी लगती है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, खूब सोचना इसके ऊपर। अभी कोई पुण्यात्मा आ जाए, खूब दानी आ जाए, खूब पुण्य करने वाला आ जाए, अच्छी ख्याति वाला आदमी आ जाए, बहुत बड़ा फिल्मी गायक आ जाए, कोई एक्टर आ जाए, हमें खुशी नहीं होना। क्यों? क्योंकि इनकी समीपता तो ज्ञानियों को मृत्यु के समान लगती है। सोचो है समझा है? ये पुण्य पावन जी का सारा बता दिया। अब अपन ट्रैक पे चले जाए, बिल्कुल शंका नहीं होगी कि पुण्य को देखो बुरा क्यों कह रहे हो। हाँ क्यों? क्योंकि वे हमें अपना शुद्धात्मा भुला देंगे और पुण्य का उदय वाला सुविधा वाला व्यक्ति पर हमारा मन आएगा तो हम आत्मा से मूर्छित होकर के उस तरफ लग जाएंगे, तो विधान बंद हो जाएगा। जैसे कथाओं में पढ़ा हुआ कथा नियोग में दूसरों का वैभव देख करके मुनि ने विधान बंद कर दिया, दूसरों का वैभव देख करके मुनि ने विधान बंद कर लिया, विधान बंद। और निदान बंद की सजा भोग रहा है। कोई साधु भी इंद्र बनता है, कोई साधु भावनी की साधु ही इंद्र बनता है। तो घाटे में हुआ कि फायदे में हुआ? हाँ भोग छोड़ करके घाटे में चला गया। अभी आपको ऐसा लगे हे भगवान, साक्षात भगवान का पंच कल्याण देखो साक्षात असली, तो आपको जब तक वो असली पंच कल्याण नहीं मिलेगा तब तक का मोक्ष का अंतराय होगा। अब आपको एक तीर्थंकर का पंच कल्याण देखने का निदान बंद हो गया, तब तक मोक्ष का अंतराय डाल दिया। भले ही मेरा मोक्ष ना हो, एक बार भगवान का जन्म कल्याण देख तब कल्याण देख। अब जन्म कल्याण में देवों को दिखता कुछ ही नहीं है, करोड़ों देवता होते भीड़ में खड़े रहते हैं, भगवान तो जरा से क्या देखना। अपने तो देखने के चक्कर में अपन ने भगवान देखना बंद कर दिया, अपना भगवान देखना बंद कर दिया, अंतराय काटा। हमें नहीं चाहिए भगवान का पंच कल्याण, नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना है, मुझे भगवान का कोई सा भी कल्याण नहीं देखना है, मुझे तो अपना भगवान का कल्याण देखना है। क्या कहा? हमें अपने भगवान का कल्याण देखना है, हमें और किसी भगवान का कल्याण नहीं देखना। क्यों? मुझे पुण्योदय अच्छा नहीं लगता। भगवान का भी पुण्योदय है, पांचों कल्याण भगवान का पुण्योदय पुण्योदय है, मुझे तो वो भी नहीं देखना है। पापियों का तो पुण्य नहीं देखना, क्या बोले? पापियों का तो पुण्य नहीं देखना, लेकिन मुझे तो भगवान का भी पुण्य का उदय नहीं देखना, नहीं देखना। ऐसी ठीक ही बात है, सीधी एकदम सीधी, किसी को सुना नहीं सकते आप। सुनते से गए भगवान साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान, लेकिन मैं अपना अंतराय क्यों डाली? नकुल और सहदेव को मालूम है, नकुल सहदेव को जरा सा राग उत्पन्न हुआ अपने मुनिराजों के प्रति, साधर्मी मुनिराजों के प्रति, तो उतना सा राग में सर्वार्थ सिद्धि हो गई। अब लोक में सर्वार्थ सिद्धि सबसे अच्छी मानी जाएगी,
एक भव अवतारी है सबसे अच्छी, भाई उनको तो अंतराय हो गया, उनको तो अंतराय हो गया ना, दो को जैसे ही शुद्धात्मा छोड़ा और अंतराय हुआ, जैसे ही ध्रुव भूले और अंतराय हुआ, इतना खतरनाक काम है। इसलिए बिल्कुल हमारे एक गुरुजी थे 100 साल से ज्यादा उम्र थी उनकी, तो वो कोई उपयोग ना लगता हो तो कॉपी पेन लिए रहते थे, कॉपी पेन लिए रहते थे बस, कोई उल जरूर विचार नहीं आए, कोई फालतू बात नहीं आए, प्रमाद नहीं आए, कोई कोई नहीं मिलता उनसे, तो वो अकेले बैठ के लिखते थे, मैं भगवान हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं हाँ हाँ मैं तो मजे आगे भी, तो मजे आगे भी, तो ध्रुव हो ऐसे करते रहते। ये ध्रुव को छोड़ा और अंतराय का मुझे अंतराय कर्म नहीं मानना, इसलिए ध्रुव ध्रुव गाय गाय, इसलिए रोज के तब लिखो, एक प्रेरणा मान लिखो, भरो कॉपी लिखो, एक ही लाइन लिखो, मैं भगवान हूँ, मौज हो गई मेरी, मौज हो गई। एक मागनंदी स्वामी के ध्यान सूत्राणी है, ध्यान सूत्राणी मतलब ध्यान के सूत्र, उसमें पूरे ध्यान सूत्र में एक ही बात है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, उसके सूत्र में ऐसा लिखा है, शुद्ध चित्त रूप को हम ये माला पहनो, शुद्ध चित्त रूप को हम, ये ध्रुव का ही नाम है माला से, फिर शुद्ध स्वरूप को हम, सिद्ध स्वरूप को हम, अनंत स्वरूप को हम, परमात्मा स्वरूप को हम माला पहनो है, मैंने ध्रुव के अपर नाम की माला बनाई है, इसके सिवा दूसरी माला मत पहनो, माला फेरो मैंने ऐसे नहीं, ध्रुव 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 ऐसे नहीं, मस्ती के साथ, वो मैं तो ध्रुव, मेरा तो काम हो गया, मेरा तो ध्रुव, मेरा तो काम हो गया, मेरे तो मजे हो गए, मैं तो मोक्ष जा रहा हूँ, मैं तो मोक्ष जा रहा हूँ। आप लोग दिन भर कितनी बार बोलते हैं हम मोक्ष जा रहे, बोला करो, कोई गुस्सा करे, कुछ करे, थोड़ा 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 पोट होता ही है, निजी भूमिका में मोक्ष जाना कि नहीं, ट्रेन जा रही है। हम एक भजन गाते हैं, खड़ी रे तैयार चलो रे भाई, चलो रे भाई शिवपुरी मोक्ष महल मुक्तिपुरी, बिल्कुल एक ही मस्ती चढ़ाओ, ध्रुव हो पर खत्म, ध्रुव हो खत्म, हमें नहीं मानू और जो हो तो हो, ध्रुव हूँ एक बात सही है, एक बात सही है। हमारे गुरु जी थे, बहुत सारे गुरुजन थे हमारे गुरु, उन्होंने बड़े, उन्होंने बोले एक बच्चा बहुत तूफानी था, बहुत तोड़ फोड़ करता था, गलत काम करता था, एक दिन उस बच्चे को क्लास में खड़ा किया, बोलो सीता के स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा, प्रश्न क्या पूछा, सीता के स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा, अब वो घबरा गया, तो उसी पे आरोप लगते थे, जब भी कोई तोड़ फोड़ की बात हो तो उसी पे आरोप लगता है, तो वो घबरा गया, मां साहब भगवान कसम हमने नहीं तोड़ा। हमने नहीं तोड़ा। नहीं हम ये कह रहे कि तुमने तोड़ा है, हम ये तुम्हें किसने तोड़ा, हमें नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम कि मैंने नहीं तोड़ा। ऐसे ही कर्मों का क्या होगा, कर्मों को किसने किया, कर्मों को कौन तोड़ेगा, कर्मों का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, कोई राजेश का क्या होगा, पर्यायों का क्या होगा, हमें नहीं मालूम, हम तो ध्रुव हो गए। आगम में क्या लिखा वो तुम पढ़ लेना, लेकिन इतना कन्फर्म है कि मैं अकर्ता हूँ, मैं कोई राजेश का कर्ता नहीं हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ बस, मुझे इतना मालूम है, इतने से बल पर मोक्ष हो जाएगा। जब उसका उत्तर सही है, उसने नहीं तोड़ा, मैं तो अकर्ता हूं, संयोग का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, शरीर का क्या होगा हमें टेंशन नहीं, एक बात पक्की है कि मैं ध्रुव सुरक्षित हूँ, मैं मोक्ष जा रहा हूँ, बाय। अगर ये मैच सुनकर ध्रुव को ही करना है, हाँ। तो मतलब कोई ऐसा सुनकर जो भी है पंच कल्याण में, यहाँ भी परमात्मा का दर्शन क्यों करना है, क्योंकि ध्रुव को ही देखना है, ऐसा करे तो फिर उसका मोक्ष होगा। बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ से ध्रुव ही रहा ना, ध्रुव को जानने वाला पंच कल्याण की भावना नहीं भाता, हाँ जब तक मोक्ष नहीं हुआ मिल जाए पंच कल्याण तो उसमें भी ध्रुव की भावना भाएगा,
तो उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। श्रीमद जी ने बहुत अच्छी भक्ति लिखी है, काम आज एक आत्मार्थी नो बीजो नहीं मन रो, काम एक आत्मार्थ नो, बस एक आत्मार्थ हमें नहीं मालूम, हम तो दो हम तो क्या है कि हम बस खत्म। ध्रुव का शुद्ध उपयोग सातवें पे ही रहेगा या छठे पे भी कैसे? चौथे से स्टार्ट हो जाता है, ध्रुव जानने वाले को चौथा हो जाता है, बढ़ता बढ़ता फिर आगे चला जाता है। ठीक हमारा था, अब अपन चले पुण्य करने लायक नहीं, पुण्य आत्मा अच्छे लगते कभी इसको मेहनत लगी, ये साधना है, ये साधना होगी, नहीं तो जनरली क्या होता है कोई बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति आगे छू जाए, मिल जाए, कुछ बात कर जाए, अपना फोटो खींच ले जाए, अपने घर में लगा ले, जैसे कई बार ऐसा होता है वॉल में लगा लेते हैं आजकल फोटो, अब वो मालूम पड़ता है कि मेरा फोटो लगा रहता है तो अपन बड़ी खुश होती, देखो सब लोगों में मैं बहुत फेमस हो गया। अरे ये जड़ शरीर फेमस नहीं करना है मुझे, मुझे ध्रुव फेमस करना है। क्या बोला? मुझे जड़ शरीर फेमस नहीं करना है, मुझे ध्रुव फेमस करना है, मुझे ध्रुव ही ध्रुव बस कैसे चलो आगे। मोटी पुण्य का उदय तो चलो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक पुण्य का उदय तो अच्छा लग जाता है, जैसे आपका योग हुआ तो हमें अच्छा लगता है। हाँ इसमें ध्रुव अच्छा लगता है इसलिए इसको अच्छा कहा, यदि ध्रुव नहीं मिलता तो सोचो ध्रुव की चर्चा नहीं करते तो आप मेरे को कितना सुनते, समय साहब को कितना सुनते, कितना बिठाते, नहीं बिठाते, तो ध्रुव ही मुख्य वहां पर। जनरली सभी जगह दिया जाता है हेतु पुण्य के बारे में, पुण्य को अच्छा कहने के लिए कि पुण्य कितना अच्छा है, जो देव साधु से मिलाता है, केवली भगवान से मिलाता है, समोसरण से मिलाता है, ये अपन पुण्य को बुरा नहीं कहें ऐसा कहते हैं, तो उसमें पुण्य का अच्छा कह दिया। हम तो ध्रुव वही से पुण्य को अच्छा कहते हैं, पुण्य अच्छा है क्योंकि वो देव साधु को मिलाता है, ये नहीं, इससे तो पुण्य बड़ा हो गया, पुण्य की कृपा नहीं है, पुण्य की कृपा से देव साधु के भी भगवान समोसरण अनंतवार मिले, लेकिन मेरे मेरे को ध्रुव नहीं मालूम था तो वो निष्फल गया, क्या फायदा हुआ? अनंतवार मिले नहीं भगवान, अनंतवार दीक्षा भी पड़ा होगा, अनंतवार दीक्षा भी फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने ध्रुव को नहीं जाना था, तो मुझे पुण्य के उदय की दीक्षा भी नहीं चाहिए, पुण्य के उदय का पीसी का मंडल नहीं चाहिए, मुझे पुण्य के उदय का केवली नहीं चाहिए, मुझे पुण्य का उदय का कुछ नहीं चाहिए, और ध्रुव को जानने वाले की सेवा ही पुण्य करता है। क्या बोल दिया? ध्रुव को जानने वाले की सेवा ही पुण्य करता है, अज्ञानी पुण्य की सेवा करते हैं और पुण्य ज्ञानी की सेवा करता है, फर्क है बहुत। क्या बोला? अज्ञानी पुण्य की सेवा करते हैं, की सेवा करता है, जितना भावना भाता है उसी उसी को देखता रहता है, अरे मेरा पुण्य हो गया, मेरा पुण्य हो गया, मेरा पुण्य हो गया, पुण्य को तो मेरे बड़ा फायदा होगा, पुण्य को तो बहुत अच्छा होगा, और दिन रात पुण्य के गीत गाता है, ज्ञानी ध्रुव के गीत गाता है तो पुण्य उसकी सेवा करता है, इसे बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जो पुण्य की सेवा करता है पुण्य उसको ठोकर मारता है। क्या बोला? जो पुण्य की सेवा करता है पुण्य उसको ठोकर मारता है, क्योंकि कहावत है जो लक्ष्मी के जाए आगे लक्ष्मी उससे जाए भागे, कहावत सुनी होगी, और जो लक्ष्मी से जाए भागे तो लक्ष्मी आए उसके आगे, इसलिए पुण्य के गीत कभी नहीं गाना, पुण्यात्मा के गीत कभी नहीं गाना, पुण्य उदय देख के खुश नहीं होना, ध्रुव ही ध्रुव ध्रुव ही ध्रुव ध्रुव देख के खुश होना। ऐसा भी बोला पुण्य सारे आत्मा वो सब होगी आपके पहले, अब पूरी चर्चा हो गई, बहुत खतरनाक हो गई, वो तो सुनोगे तो आप रह जाओगे। अभी तो ये कहा था जो पंच कल्याणक है वो पुण्यात्मा जीव है, बहुत बहुत सबसे अच्छे पुण्य के उदय में पंच कल्याणक होते हैं, हमें तो उसका पुण्य भी नहीं चाहिए, उसका देखना भी नहीं चाहिए, जहाँ एक पंच का
24 पहले से नकली है, भाभी भाभी की 24 अब तुमको अगली तुमको अगले का जाना है, तो अगले तक का समय तो निभो भी पूरा करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को तो ध्रुव ही चाहिए बस, हर एंगल से मुझे तो ध्रुव ही अच्छा लगता है। मुझे पुण्य भी अच्छा नहीं लगता है, पुण्य करने वाले भी अच्छे नहीं लगते। पुण्य होता है ये अलग बात है, और पुण्य करने वाले अच्छे नहीं लगते। क्या कह गए हम, दुनिया में तो पाप की तुलना में पुण्य को अच्छा कहा है? क्या कहा, दुनिया में तो पाप की तुलना में पुण्य वाले को अच्छा कहा है, लेकिन हमको तो पुण्य वाले अच्छे नहीं लगते। नहीं लगते, क्या बोला, पुण्य वाले अच्छे नहीं लगते। ये पुण्य वाले अच्छे नहीं लगते भाई, पाप से तो अच्छे लगते, लेकिन हमें तो शुद्धोपयोग वाले अच्छे लगते। हम साधक हैं, हमें शुद्धोपयोग चाहिए, तो शुद्धोपयोग वाले अच्छे लगते हैं। अपन एक बहुत अच्छा बात ही बोलते संस्कृत में, बंदे तद्गुण लब्धे, बंदे तद्गुण लब्धे। तो आपको क्या चाहिए, जिसकी प्रशंसा करोगे वो मिल जाएगा आपको, तो पुण्यात्मा के पुण्य की तारीफ करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, पैसे की तारीफ करो तो पैसा मिल जाएगा, भोजन की तारीफ करो तो भोजन मिल जाएगा। लेकिन शुद्धोपयोग तो वितरकता तो रत्नत्रय तो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम केवल पंच परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते मैंने प्रशंसा करती, इसके अलावा किसी की प्रशंसा भी नहीं करते। पुण्यात्मा की प्रशंसा नहीं करते, पुण्य करने वाले की प्रशंसा नहीं करते। पुण्य के उदय वाला अच्छा लगना चाहिए कि नहीं? तो आज पुण्य पाप अधिकार का सहारा है, भाव ही नहीं पाप पुण्य है। हाँ कुछ नहीं, एक ध्रुव के सिवा एक बजे ना अपना क्या, ध्रुव की फेरो माला ऐसे ना क्या, कोई पिएगा नहीं, शाश्वत सुख का प्याला। हाँ, यह शाश्वत सुख का प्याला, यह शाश्वत सुख का प्याला कोई अनुभव वाला पिएगा, कोई ध्रुव की फेरो माला कोई जिएगा अनुभव वाला, कोई जिएगा अनुभव वाला। अब जिसको अनुभव करना हो ध्रुव ध्रुव ध्रुव, दिन भर में एक भजन रोज लिखो ध्रुव का, ध्रुव की लागी लगन ध्रुव में हो गए मगन, ध्रुव है प्यारा हाँ ध्रुव ही असरण जगत में सहारा। रोज एक भजन लिखो, मैंने एक ध्रुव धुन लिखी है, ध्रुव धुन आज पढ़ना सब बंद हो गया, ध्रुव धुन एक ध्रुव धुन लिखी है, हर लाइन में ध्रुव आया हो आज पढ़ना चाहिए है ना। चलो समझ में आ गई बात, तो पुण्यात्मा अच्छे लगते नहीं, पुण्यात्मा अच्छे लगे कई घंटे में समझ में आया। जैन शासन तो अलग है, मोक्ष अधिकार में मुझे मोक्ष भी अच्छा नहीं लगता, लो आप चलो वालो ए पाप पुण्य तो छोड़, मुझे तो शुद्ध उपयोग भी अच्छा नहीं लगता। अब ये कठिन हो गया ना थोड़ा सा, भाई पाप अच्छा नहीं लगता ये तो ठीक, पुण्य भी चलो ठीक, वैसे तो पुण्य का उदय कितना मजा आता है, लेकिन ठीक है चलो वो भी छोड़ देंगे, लेकिन शुद्ध उपयोग तो ठीक है ना कि ना। भाई अंतिम बात है जैन शास्त्र की, अंतिम बात है कि मुझे शुद्ध उपयोग भी अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि शुद्ध उपयोग एक समय का है, और मैं शुद्ध उपयोग को देखने जाता हूँ तो अशुद्ध उपयोग हो जाता है, और ध्रुव को देखने जाता हूँ तो शुद्ध उपयोग हो जाता है। बस अंतिम पढ़ाई बोलो क्या बोला, शुद्ध उपयोग को देखने जाता हूँ तो अशुद्ध उपयोग हो जाता है। अशुद्ध उपयोग से पुण्य हो गया, अशुद्ध उपयोग के दो भेद है पुण्य और पाप। तो जैसे मैं शुद्ध उपयोग को देखता हूँ तो स्वभाव होता है, स्वभाव होता है तो अशुद्ध उपयोग होता है। नहीं समझ में, पुण्य और पाप दोनों अशुद्ध उपयोग के भेद हैं, ये संबंध निद्रा के भेद नहीं है, आश्रम बंध के भेद है। पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव ये पुण्य पाप के
वेद है ना, आश्रम बंद के वेद। तो आश्रम बंद को तो अभी देखो इसमें गाथा लिखी, ये असुचि है, विपरीत है, दुख है, दुखमय दुख के कारण, अभी इसमें गाथा है। शुद्ध उपयोग को देखने गए तो देखने का जो विकल्प आया, विकल्प आया तो वो आश्रम हुआ कि संबर हुआ। देखने गए नहीं, वो तो दिखेगा ही नहीं, देखना अलग बात है, देखने गए। जब शुद्ध उपयोग देखने गए माने विकल्प आया कि हाँ ये तो समित वो ये तो समित और ये तो केवल ज्ञान वो ये तो शुद्ध उपयोग है, तो ये जो विकल्प आया वो अशुद्ध उपयोग है। क्या है वो अशुद्ध उपयोग है। कैसे हैं, कैसे अशुद्ध, कैसे अशुद्ध, शुभ और अशुभ दोनों अशुद्ध उपयोग के भेद है। शुद्ध उपयोग का भेद नहीं है, शुद्ध उपयोग निर्विकल्प है, अशुद्ध उपयोग सविकल्प है। सविकल्प में खोटा विकल्प पाप है और अच्छा विकल्प पुण्य है, लेकिन है तो अशुद्ध। शुद्ध उपयोग में रहना अशुद्ध नहीं है, लेकिन शुद्ध उपयोग पर लक्ष्य करना अशुद्ध। शुद्ध उपयोग बुरा नहीं है, शुद्ध उपयोग देखने जाना उसे अच्छा मानना बुरा है। शुद्ध उपयोग इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता माने मैं विकल्प करना अच्छा नहीं लगता, शुद्ध उपयोग तो होगा तो मैंने विकल्प कहा। ध्रुव को देखते हैं तो शुद्ध उपयोग होता है और शुद्ध उपयोग को देखते हैं तो अशुद्ध उपयोग होता है। बराबर, पर्याय बहुत अच्छा। देखो ये बात है बहुत सिंपल चीज, आप दृष्टांत देखकर समझ में आएगा। कार पहियों से चलती है कि सामने देखने से चलती है। कार पहिए से चलती है, चार पहिए होते हैं उससे चलती है कि सामने देखने से चलती है। समझ गए, सामने देखोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। और पहियों से चलती है, पहियों से चलती है, पहियों से, पहियों की महिमा, ओहो ओहो, तो क्या होगा इसमें कोई दो राय नहीं है। पहिए अच्छे होंगे तो शुद्ध उपयोग की गाड़ी तेज चलेगी, लेकिन शुद्ध उपयोग की गाड़ी को पहिए देखने जाओगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। सामने ध्रुव देखता चल, सामने ध्रुव देखता चल, सामने ध्रुव देखता चल, अब पहिए चलते चले जाएंगे और तो पहियों की महिमा करने घूम गया, वो कितने बढ़िया पहिया, वो कितने अच्छे हैं। पहिया देखने गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, छोटा एक्सीडेंट होगा तो पुण्य होगा, बड़ा एक्सीडेंट होगा तो पाप होगा। क्या होगा, ध्रुव ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, नहीं है कहने में आता है व्यवहार, चाहिए चाहिए, कल बोला था चाहिए, कल बहुत पढ़ाई हो गई थी कल बस। तो ये आप पुण्य पाप अधिकार अपन पढ़ती है, अब फटाफट पढ़ लेंगे जितनी भी गाथाएं हैं इसकी, अब आप पढ़ लोगे आप खुद समझ जाओगे, मैंने पूरा समझा दिया इसका भाव। ठीक, ठीक देखो, देखो यहाँ पहली पेज पे कलश है, ये दोहाई दोहाई पहली पेज पे इसमें है कि नहीं, हिंदी में हाँ, पुण्य पाप दो कर्म, हिंदी में है पुण्य पाप दो कर्म बंद रूप देखो और दो ही कहते हैं बंद रूप दुर्मान, दुर माने बुरी, दुर माने होता है दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि, दुर्घटना बुरी घटना, तो क्या कह रहे हैं दुर्मान। हो गया हाँ, क्या बोला कैसे वो दुर्मानी है, खराब है वो। पुण्य पाप दो कर्म है, अज्ञानी को क्या लगता है पाप तो अधर्म है और पुण्य धर्म है, और यहाँ सुबह कहाँ से वही दुर्मानी, दुर्मानी खराब है। सावधान, अब अपन सब पुण्य कर रहे 24 घंटे और उसकी बुराई भी कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं, बैठ करके शुद्धात्मा की चर्चा कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अपन बैठ कर अध्ययन कर रहे हैं। पुण्य पाप अधिकार है मिला, हिंदी है तो फिर 241 पेज होगा।
145 में कहा था। तीसरा क्या है? कर्ता कर्म के बाद। बहुत गजब। अब जिस पकड़ में आ गए तो मजे मजे होंगे, बस सब कुछ नहीं है, मतलब पूरी पढ़ाई कर ली मिल गया। देखो फिर से पुण्य पाप, लोग कहते हैं पाप बुरा है पुण्य भला है, और जैन धर्म कहता है पुण्य पाप दो ही। अब बोलो हम पुण्य का उपदेश कैसे दे सकते हैं? हम तो पहले में पहले तुझे ध्रुव का उपदेश देंगे, पकड़ लेकर ठीक, नहीं तो पुण्य तो अपने आप ही करेगा वो। ठीक आगे चलो। शुद्ध आत्मा जिन लहो ध्रुव, ध्रुव आत्मा जिन लहो नमो चरण हित जान। ऐसे ज्ञानियों को हम नमस्कार करते हैं जो पुण्य पाप को बुरा कहते हैं, पुण्य को भी बुरा कहते हैं, और शुद्ध आत्मा जिन लयो जिन्होंने ध्रुव स्वभाव का अनुभव किया और पर्याय में कहें तो शुद्धता प्रकट की, उनको नमस्कार करते हैं। ठीक नीचे क्या लिखा देखो। जैसे नृत्य मंच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे यथार्थ ज्ञाता पहचान लेता है। क्या लिखा है? एक ही आदमी दो रूप बना के आया, एक आदमी आश्रव, आश्रव नाम का आदमी आगे से पुण्य का चेहरा लगा के आ गया और पीछे से पाप का चेहरा लगा के आया, डरावना काला काला चेहरा यहाँ लगा दिया बांध के और आगे से पुण्य का लगा दिया, तो आगे से देखने पे एकदम अच्छा लग रहा है, पीछे से देखने तो खराब लगता है। एक आदमी दो रूप, एक आदमी के दो रूप, हम क्या मान रहे हैं दो आदमी कि नहीं, एक ही आदमी के दो रूप है, आगे से पुण्य दिखता है पीछे से पाप करता है। आपने देखना जब जब पुण्य का उदय आएगा आपको फौरन पाप करने की इच्छा होगी, देखना जैसे भोजन नहीं मिले ना तो भगवान 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 ही भगवान, आज कहाँ भोजी ही भगवान, आज भोजी कहाँ होगी कहाँ होगी कहाँ कैसे, और मिल गया तो खा पी के सो जाओ, सोने मतलब निश्चित। एक बार हम तीर्थ यात्रा में थे तो बहुत पानी गिर रहा था, गिरना जी जा रहे थे, बहुत पानी गिर रहा था और बिल्कुल चार तरफ दिख रहा, खूब भीड़ चढ़ रही है, और जीप में कपड़े वाली जीप थी ऊपर कपड़ा था तो पानी गिर रहा था, नीचे कपड़े लेके सामान रखा तो हम लोग गिलास ऐसे पकड़े पानी को ऐसे गिर रहे सब लोग नमो वाली हम ताड़ा, बिल्कुल उसने जितनी भाव भक्ति से नमोकार में पड़ा उतना कभी पड़े बिल्कुल एक ऐसे लग रहा था 9 बज गई 10 बज गई रात की और सब सब कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब जो जो से नमोकार। जब वो पानी चला गया रुक गया सब रुक, हम सब सो गए बिल्कुल सच्ची घटना है। उस दिन समय में आया कि संकट आता है तो तुझे पुण्य करने का अच्छा लगता है, पुण्य आता है तो पाप करना अच्छा लगता है। सोचो ठंडी हवा लग जाए एकदम आनंद आ जाता है, ये तो पाप है। पसीना आ जाए तो घबराहट आ जाती है भगवान, फिर बीच में याद आ गई हे प्रभु कहाँ विराजे आप ऊपर इतने ऊपर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिणाम आ जाता है। ऊपर सबसे ऊपर पहुंच गए टॉप पर तो चारों तरफ की हरियाली देखी, वृक्ष दिखाई दी, बड़ा सुंदर थक गए बोले तो हैं थक गए हां बोले तो हां जो नहीं देगा मैंने पाप बस सीधा बिल्कुल चार तरफ का दृश्य देखा, सूर्योदय का दृश्य दिखाई दिया, बहुत अच्छा दिखाई दिया, सड़क पर ट्रैक चलती दिख रही, वो दिख रहा वो दिख रहा, देख देखे वो याद आ रहे, इतने भी कोई फोटो वोटो खींच ले खींच रहा हो तो उसे उसमें मजा आने लगता है, इतनी जल्दी लुटता है जी पुण्य के उदय में, बहुत जल्दी लुटता है। ये तो रोज देख लेना पुण्य का उदय में बहुत, इसलिए ध्रुव 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 मैं ध्रुव बस चले आगे। तो एक पुरुष हाँ सावधान, ये आश्रम नाम का आदमी है और दो रूप बना के नाच रहा है, सावधान रहना। अब गाथा पढ़ते हैं, 145 नंबर की गाथा है। अब शुभ अशुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन गाथा में करते हैं, शुभ और अशुभ कर्म के स्वभाव, शुभ और अशुभ कर्म के स्वभाव। अब पूरे जिनागम के अन्य ग्रंथ मिलेंगे चरणानियों और प्रथमानियों खास तौर से,
तो वे और कर्णानियों में भी पुण्य की प्रशंसा मिलेगी, पाप की निंदा मिलेगी। लेकिन द्रव्यान योग में पुण्य पाप का कर्म बताते हैं, देखो स्वरूप बताते हैं, क्या बताते हैं, हे कर्म अशुभ उसील अरु जानो सुशील शुभ कर्म को, किस रीत होए सुशील जो संसार में दाखिल। बताओ सुशील कैसे हो सकता है जो संसार में दाखिल करता है। अज्ञान जी कहेंगे स्वर ले जाता है, स्वर ले जाएगा, स्वर ले जाएगा, विदेश छेद ले जाएगा, विदेश छेद ले जाएगा। अरे लेकिन विदेश छेद भी संसार है और स्वर्ग भी संसार है। जिस दिन आपने घर छोड़ा था, साधना की दीक्षा ली थी, तो उस दिन काय की खुशी मनाई थी आपने, अब मैं स्वर्ग जाएंगे, अब स्वर्ग की साधना करने निकले, इसकी कि मोक्ष की साधना करने निकले थे, और बीच में ठग लेगा वो नहीं। नहीं अच्छा, लोग तो कहेंगे आप बहुत पुण्य मान रही हो, आप तो पक्के में स्वर्ग जाओगे, आपको बहुत अच्छा, आपके नरक से बच गए, खुश मत हो ना, ये लोग हमारी बदनामी कर रहे हैं, श्रावक लोग आपकी बदनामी कह रहे हैं स्वर्ग कह करके। स्वर्ग तो कपड़ा वाले को भी चले जाते, क्या कहलाते जी गृहस्थ की, स्वर्ग स्वर्ग में तो क्या कहते हैं, त्रिहंस गति के जीव चले जाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा स्वर्ग जाने वाले जीव है त्रिहंस गति, मनुष्य से भी ज्यादा जाते हैं त्रिहंस स्वर्ग में, और जैनों की संख्या से भी ज्यादा। जैनों की संख्या कितनी सी है, जैनों की संख्या है कितने भाई, पूरे मनुष्य जैन अजैन मिला के 29 अंक प्रमाण। तो फिर स्वर्ग में तो सीट असंख्यात है, तो असंख्यात सीट पर कुत्ता बिल्ली जाते हैं, साधु नहीं, क्या बोल गया, हाँ वे भी चले जाते हैं, कुत्ता बिल्ली भी स्वर्ग चले जाते हैं, हमको नहीं जाना। कोई हमें कह भी दे नहीं आप स्वर्ग जा रहे तो खुश मत हो ना, आप तो पक्के में बाहर स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग स्वर्ग जाओगे, अच्छो बदनाम करता है हमको। मजबूरी में होता हो तो हो जाए, मजबूरी में होता हो तो हो जाए, लेकिन हमको खुशी होती नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट तो मोक्ष जाना है, व्यवहार व्यवहार में मोक्ष जाना है, मोक्ष के नीचे मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं है। दृष्टान 100 करोड़ का हीरा 99 करोड़ में बिके अच्छी बात है, और 10 करोड़ में बिके तो बुरी बात है, तो सही है। 1 करोड़ बिकता तो बहुत पाप का हो जाए, 1 करोड़ ठगा गए अपन तो, लेकिन 99 करोड़ बिक जाता तो ठीक है कि नहीं, कि नहीं मेरे तो 100 करोड़ चाहिए पूरे, ऐसे मेरे मोक्ष से नीचे कुछ चाहिए नहीं। और मोक्ष की प्राप्ति होती है ध्रुव के बिना नहीं, हमें तो ध्रुव की मग्नता चाहिए बस, इसके सिवा कुछ ठीक समझ आगे बात तो आगे चलो। तो किस रीत हो सुशील शुभ कर्म को सुशील कुशील कहते हैं, अशुभ कर्म को कुशील कहते हैं दुनिया में, और शुभ को सुशील कहते हैं, परंतु सुशील कैसे हो सकता है जो हमको संसार में दाखिल करता है। मनुष्य मर के मनुष्य में आ सकता है, त्रयंश मर के त्रयंश में आ सकता है, लेकिन देवता मर के देवता में नहीं जा सकता। अब बताओ देवता मर के क्या करेंगे, ठीक है थोड़ी देर के लिए हाल्ट कर ले वो अलग बात है, लेकिन देव गति जाना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगली दिखाते 146 ज्यों पढ़िए, ज्यों लोहे की पढ़ो, ज्यों लोहे की त्यों कनक की जंजीर जकड़े पुरुष इस रीत से शुभ या अशुभ त्रस कर्म बांधे जीव को। चलो पुण्य पाप की विशेषता, जैसे कोई सोने की बेड़ी हो या लोहे की हो, वजन तो दोनों में ही होगा, दोनों ही थकेंगे, दोनों में घिसेगा, दोनों में तकलीफ होगी, तो कौन सी बेड़ी पहनना चाहते हो, नहीं लोहे की।
अच्छी नहीं लगती काली काली सोने की, तो अच्छी लगती है क्या करना है? बोलो बोलो मेरी अच्छी नहीं। क्या स्वरूप पढ़ा रहे? दुर 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 करम दुर दुर। हे जी सावधान हो, तू पुण्य उदय में खुश मत हो, पुण्य उदय सोने की बेड़ी है। दृष्टांत बनाओ उसके, दो चार दृष्टांत बनाओ, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, ये दृष्टांत दिया। किसी को फांसी की सजा दी, मृत्युदंड दिया, तो उससे कहा देख तेरे पुण्य पाप का उदय है, सोने की तलवार से मरना है। आपने दो बना दी, एक तो इतने दे दिया, एक मैंने दे दी, एक आप बनाओ। हे जी तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा, बोल असली घी में डुबा के मारे पानी तालाब को क्या कहला, कीचड़ में डुबा के मारे, बोलो कहाँ मरना है? सेप्टिक टैंक में डाल दे तेरे को, अही सेप्टिक टैंक में डालो, तो फिर तो शुद्ध देसी घी, गिर गाय का घी इसमें डुबा के मारे, बोलो काय मरना मरना ही। ऐसे हमें पुण्य मौत के लिए पुण्य भाव सौंदर में से भजन गाते थे, पुण्य भाव वो आई थी ना बेसी, हमने वो पुण्य का लिखा हुआ है वो, पुण्य भिया पुण्य भाव भी मीठा जल रे है एने का तल कर जावे वो सोच दे। ऐसे रमेश जी कमल, हाँ बापू के वो तो सोनगढ़ रहे, छोटे से रहे वो, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। पुण्य भाव भी मीठा जहर है ये नहीं कत्ल कर जाए, हमने तो बहुत पुण्य किया, खुश नहीं होना पुण्य, ध्रुव के बिना खुश नहीं होना। और जो दृष्टांत बढ़िए खराब चिट्ठी आए तो माँ को पाप का उदय, बेटे की अच्छी चिट्ठी आए अब तो ठीक है ना, बेटा नहीं आएगा, वो तो अमेरिका चला गया, वहां से आएगा नहीं, लेकिन भारतीय महिलाओं का ऐसा पुण्य का उदय है, वो बेटा बहू से चले गए, एक ही था वो चले गए अमेरिका, लेकिन आजकल वीडियो कॉल लग जाता है, वीडियो कॉल तो माँ इतनी खुश होती है, आहा कैसे बढ़िया बोल रही थी मेरी बहू, मम्मी जी आई मिस यू, कितनी स्वीट बहू है, एक दिन नहीं आई, एक दिन पानी नहीं मिलाया, दूरदर्शन देती रही बस। बोलो ऐसी बहू का अच्छे समाचार या बुरे समाचार हमारे तो काम करना है, खूब मेहनत करना है प्रैक्टिकल। बोलो पुण्य में खुश नहीं होना, प्रवचन कर दिया बहुत पुण्य हो गया, ठीक है प्रवचन से पुण्य हो गया, लेकिन हमें खुशी होती नहीं, हमें तो ध्रुव के बिना कुछ नहीं। लिखो जिनको भजन लिखना हो इसमें इसी इसी भजन लिखो, ध्रुव के बिना हमारा नहीं चलेगा, आगे चलो। लेकिन प्रैक्टिकल में देखते हैं तो पुण्य का उदय होता है जैसे शरीर में स्वस्थता है तो ध्रुव याद आता है, पाप का उदय आता है तो उस टाइम ध्रुव याद ही नहीं है। उल्टा कह रहे हो। नहीं अभी अस्वस्थता है शरीर में, शाखा नहीं तो शरीर में ही उपयोग चला जाता है। देखो फिर कहता हूँ जिसको ध्रुव का निर्णय होगा उसे पुण्य के उदय में भी ध्रुव याद आएगा और पाप के उदय में भी ध्रुव याद आएगा, लेकिन जिसको ध्रुव का निर्णय नहीं है उसे पाप के उदय में एक वांछा होती है, पुण्य होए तो धर्म करो, पुण्य होए तो धर्म करो, पुण्य होए तो धर्म करो, ये झूठ बोल रहा है, मायाचारी कर रहा है। अनंत बार नरक से जितने जीव निकलते हैं वो धर्म करने के कोल करार करके ही निकलते हैं, लेकिन जैसे ही पुण्य का उदय आया हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, चार दिन खाओ पियो मौज करो, किसने देखा किसने देखा, सब भूल जाते हैं, नरकों में कोल करार करते हैं, इधर आके कोई धर्म नहीं करता, इसलिए ध्रुव को जाने बिना वो ठगता है अपने आप को, होता नहीं क्षेत्र छे, क्या कहा
हाँ क्षेत्र से इनको ठगी विद्या नहीं करना, आप लोगों को ध्रुव नहीं छोड़ना बस। बिल्कुल शरीर जावे कि रहे भी, अच्छा रहे भी कि बुरा रहे भी, हमें तो इधर रखना था। ठीक आगे तो ये दृष्टांत हो गया। इस रीति से सोवया असोवकृत कर्म बांधे जीव। अमरी बात अगली बात तो क्या करें फिर, इससे करो नहीं राग पा संसर्ग उभय कुशील का। दो तीन ग्रंथ और रखी लिया पढ़ो रखो रखो है ना, कल लेके आना रखना अपने पास में। नहीं नहीं अभी तो आप पढ़ो, अभी अभी तो कल दे देंगे और हमारे पास बहुत रखी है, अभी मंगा लिए थे 15-16 और अहमदाबाद से ना है तो पढ़ो। चलो तो फिर समझ में आ गया क्या करना है, इससे करो नहीं राग। अभी शुरू में पढ़ा लिया पुण्य से राग मत करो, पुण्य को अच्छा नहीं मानो, पुण्य आत्मा को अच्छा नहीं मानो, पुण्य के उदय को अच्छा नहीं मानो, पुण्य के चक्कर में मत पड़ो। जो मीठी मीठी बातें करके लड्डू देता है ना वही किडनैप करता है, देखा बच्चों का किडनैप कैसे हो जाता है, जरा सी टॉफी जरा सी मिठाई ऐसे वो आपको मीठी मीठी बात बोलेगा मजा आएगा। पुण्य करो मंदिर में ले जाकर पुण्य की तरफ मत जाना, मंदिर में जाकर ध्रुव देखना पुण्य की तरफ, गए भगवान तुम्हारे दर्शन से तो पुण्य बहुत बनता है मेरे तो स्वर्ग जाऊंगा। अरे ठगा गया वो किडनैप करके ले गया, ध्यान रखना पाप किडनैप नहीं करता है, पाप का उदय किडनैप नहीं करता है कभी भी, पाप का उदय वाला जी किडनैप नहीं करता, पुण्य का उदय वाला जी पुण्य का उदय किडनैप कर देता है। जैसे रात को 2 बजे कोई महिला अकेली रेलवे स्टेशन पर उतरी तो जो ठगी लोग होंगे चोर का चोरी करने वाले वो कुछ नहीं करेंगे, फिर एक अच्छा आदमी बन के आ गया, एक अच्छा आदमी बन के, अरे दीदी अरे सिस्टर ये आप कैसे अकेले हो, गलत बात है कुछ हो गया तो चलो मैं आपको छोड़ दूँ, अच्छी बात करने वाला गाड़ी में बिठा के कहीं ले जाए, डाकू चोर आ जाए बंदूक दिखाए तो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगी चिल्लाएगी सबको बुला लेगी भीड़ लगा लेगी पुलिस भी चली जाएगी, कोई दिखा रहे ना स्पष्ट, तो पाप के उदय से जीव का किडनैप नहीं होता है, पुण्य के उदय से अनंत बार जीव का मोक्ष मार्ग से किडनैप हो गया। क्या कहा, अनंत बार किडनैप हो गया, क्या हो गया अनंत बार किडनैप, पुण्य किया किडनैप पुण्य ये तो संवत्सर में जाके कौन नहीं मानता है, कितना सुंदर कितना सुंदर कितना सोना चांदी हीरा माणिक मोती नीलम पुखराज वो आज तुम्हारी आंखें सफल हो गई, ढोर तेरी आंखें सफल हुई इसे देखने से, पुण्य ने किडनैप कर लिया, पुण्य ने किडनैप कर लिया, बहुत गजब है। तो कितना सरल है, तुम ध्रुव बहुत जानो बस, इतनी तो कह रहे तुम ध्रुव भगवान हो, ध्रुव भगवान हो, ध्रुव भगवान जानो बस आनंद करो। ठीक आगे चलें, इससे करो नहीं राग बस संसर्ग उभय 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 माने दोनों कुशील का, इस कुशील के संसर्ग से है नाश, लो नाश तो स्वातंत्र तेरी स्वाधीनता का नाश हो जाए, तेरे मोक्ष मार्ग का नाश हो जाएगा। मालूम फेरते कि नहीं फेरते, पूजा पाठ जो भी करते हो आप, जो साधना करते हो वो पुण्य है, वो पुण्य नहीं, पुण्य के चक्कर में मत रहना, उसी समय ध्यान रखना मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव नहीं देखेंगे तो किडनैप हो जाएगा, स्वर्ग तो हो जाएगा, इसमें क्या दम है, ना कागरा कुटरा भी स्वर्ग चला जाता है, कभी स्वर्ग के खुश मत होना कि हम स्वर्ग चलेंगे, वो तो कोई भी चला जाता है, पाकिस्तान के पाकिस्तानी भी स्वर्ग जाते हैं, चाइना वाले भी स्वर्ग जाते हैं। एक बार बहुत उमदम हुआ, गुरुदेव ने बोला स्वर्ग तो कसाई भी चला जाता, कसाई वो बूचड़ खाना होता है बूचड़ खाना काटने वाला वो भी चला जाता है, एकदम हंगामा मच गया पूरे हिंदुस्तान में, ये तो आगम विरोध बोलते हैं, आगम विरोध बोलते हैं, कसाई मुसलमान कभी जा सकता है स्वर्ग, बहुत उदम मचा पूरे हिंदुस्तान में, फिर पूरा आगम देखा तब शांति हुई सबको, आगम में लिखा है असंख्या सीट है देवगति तुम हो कितने से 99% तो त्रियंश गति का अधिकार है, साधुओं का अधिकार तो मोक्ष है,
क्या बोला? साधुओं का अधिकार तो मोक्ष है, असली अधिकार तो वो है। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? चलो आगे पढ़ते। यो कर्म प्रकृति शील और स्वभाव को तसित जान के, मिल गया, निज भाव में रत राग संसर्ग उसका परिहार। क्या बोला? खराब है, कुत्सित है ना, इसका संसर्ग नहीं करना। क्या बोला था? संसर्ग इसके साथ क्यों ही राग करना परित्यज्य। पिछली गाथा में कहा था इसका संसर्ग छोड़ता है, इसका अच्छा मानना छोड़ता है, इसका परित्याग कर देता है। क्या कर देता है? परित्याग। परित्याग समझते हो? त्याग और परित्याग में फर्क है। क्या कहा? त्याग और परित्याग में फर्क है। परित्याग में इतना सा भी नहीं रखना। त्याग परित्याग में इतना सा, परि मने होता सब और से त्याग। देखो साधु श्रावक भी त्याग करता है और साधु भी त्याग करता है, दोनों के त्याग में क्या फर्क? बोलो, साधु भी त्याग करती और श्रावक भी त्याग करती। उसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं साधु नौ कोटि से त्याग कर देता है। कितनी कोटि से त्याग करता है? नौ कोटि से। और श्रावक नौ कोटि से त्याग नहीं कर सकता है। एक महिला उपवास करे, आहार का त्याग कर दिया, परित्याग नहीं किया उसने, उसे रसोई बनानी पड़ेगी बच्चों के लिए, वो आ जाएंगे रिश्तेदार आएंगे तो उनके लिए रसोई बनानी पड़ेगी। लेकिन आपने यदि उपवास कर लिया है तो आप वो चीज लाओगे भी नहीं, किसी को दोगे भी नहीं, कराओगे भी नहीं, कुछ नहीं करोगे, करते की अनुमोदना भी नहीं करोगे, वचन से काया से तो नहीं करोगे लेकिन मन से भी नहीं करोगे। तो इसको कहते हैं परित्याग। परित्याग का क्या मतलब हुआ? नौ कोटि से अपन राग से करते हैं गलती, वो अलग चीज है। अब पहले पढ़ो, पढ़ो आप पढ़ो, आगम पढ़ना। आगम में लिखा है जो भी त्याग करते हैं वो नौ कोटि से त्याग करते हैं। अपने सरजाता प्रैक्टिकल वो अलग चीज है, जैसे कोई ताकत नहीं है तो वो अलग बात, लेकिन यदि उपवास किया है तो नौ कोटि का त्याग होता है। कोई भी चीज का त्याग नौ कोटि का होता है, ये तो लिखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, नाम मेरी को ये भी याद नहीं, लिखा है मेरे पास नोट्स है, बहुत पीडीएफ है उसकी मेरे पास, मैंने एक कोटि टूटने पर नौ कोटि टूट जाती है, कैसा लिखा? श्वेतांबरी ग्रंथ है, एक कोटि टूटने पर नौ कोटि टूटने का दोष लिखा है, तो एक कोटि को भी नहीं तोड़ना, कैसे लिखा? बहुत अच्छा है, बढ़िया लिखा हुआ है, बहुत अच्छी थी, पढ़ो बहुत अच्छी, मेरे को बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, श्वेतांबर साहित्य की है, बढ़िया बहुत अच्छी। आगे देखो, तब क्या करना? हाँ, तब त्याग कैसे करना? तो आगे निज भाव में रत, पहले कहा था छोड़, कैसे छोड़े? तो निज भाव में रत, जो निज भाव में माने ध्रुव भाव में रत होता है वो राग और संसार को छोड़ देता है। एक आइडिया दे दिया, स्टाइल, अपन क्या करते हैं ध्रुव को याद करे बिना छोड़ देते हैं। तो ये इस गाथा में मना कर दिया, तेरी तेरा त्याग सच्चा नहीं है, तेरा त्याग सच्चा नहीं, तेरे को ध्रुव ग्रहण करना चाहिए, इसके बाद त्याग होता है, ध्रुव के बिना त्याग होता नहीं। एक साधु में और एक भिखारी में क्या फर्क है? भिखारी के पास भी कम कपड़े हैं या नहीं है? उसमें भी बर्तन नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, उसके पास भी कुछ नहीं है, घर झोपड़ी भी नहीं, जमीन पे ही सोता है वो भी, वो खाता पीता है, जो मिल जाता है तो खा पी लेता है, अमृतिष्ट खाता है वो भी, उसको भी कौन सा मिलता है? कोई उसको उद्देश्य से बनाता नहीं, ये भैया इसके लिए बनाना है, वो उसको भी अमृतिष्ट मिल जाता है। अब बोलो फिर भी उसमें और साधु में क्या अंतर है? बोलो अच्छा उत्तर तो मुझे आनंद आ जाए। साधु ध्रुव को देखे, हाँ
साधु ध्रुव को देख करके त्याग करता है तो साधु कहलाता है, अपरिग्रही कहलाता है, और उसके पास परिग्रह नहीं है लेकिन वो अपरिग्रही नहीं कहलाता है। क्या बोला? अपरिग्रही क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि वो ध्रुव नहीं है। कितनी बढ़िया गाता है। ध्रुव में रत रहने वाला, निर्भाव में रत रहने वाला, राग और संसार को परिहरे, राग और संसार को छोड़ देता है। अगली गाथा, जीव रागी बांधे कर्म को वैराग्य गत मुक्ति लहे, ये जिन प्रभु उपदेश है नहीं रक हो तू कर्म से। यह समझना, जीव रागी बांधे कर्म को, काय का रागी? हाँ, पुण्य का रागी। आपका तो कोई राग करते ही नहीं, पुण्य के करेगा राग करेगा तो पुण्य का रागी कर्म को मानता है और पुण्य से बैराग रखने वाला जीव मोक्ष जाता है। अब बोलो, पहले पढ़ा दिया, शुरू में पढ़ा दिया पूरा। अब बोलो, आपको बैराग पंचेंद्रिय के विषयों से है कि पुण्य से? क्या बोलोगे आप सबको? अब ये जीव पुण्य से विरक्त था। क्या बोलोगे? जीव तू पुण्य से विरक्त हो जा। एक बहुत अच्छा मैंने कलश है इसमें, अभी यदि कोई इसमें आएगा तो अपन देखेंगे अभी इसको। एक कलश अमृतचंद स्वामी का कलश है, उसमें तो लिखा है पुण्य करता हुआ तो नहीं, होता हुआ पुण्य करे नहीं, अपन पुण्य करे नहीं लेकिन होए, माने साधु को धर्मात्मा को पुण्य ऑटोमेटिक अच्छा होता है, खराब तो होता है। हम थोड़ी देर पहले क्या कहा था, अज्ञानी पुण्य की सेवा करता है और पुण्य ज्ञानी की सेवा करता है। तो अभी अपन को क्या कहना, तो वहां क्या लिखा है, होता हुआ पुण्य भी वो तो अच्छा है। ऐसे प्रश्न पूछा, होता हुआ पुण्य हम तो करते नहीं, हम पुण्य नहीं करते, हम तो ध्रुव ही ध्रुव की भावना पा रही, लेकिन जो पुण्य हो रहा है वो तो अच्छा है ना। प्रश्न तो उत्तर क्या दिए पता है? वह होता हुआ पुण्य दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक। कौन के लिए लिख दिया? होते हुए पुण्य करने का लिए। माने हम तो करते ही नहीं पुण्य, लेकिन जो हो रहा है वो भी दुनिया का दी बेस्ट पुण्य हो रहा है, हमें मालूम है दी बेस्ट हो रहा है, दुनिया कहेगी दी बेस्ट पुण्य है, और वो क्या बोल रहा है, दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। दुष्ट आदमी से बुरा होता है अनिष्ट करने वाला, दुष्ट तो गाली ही देता है केवल, और अनिष्ट करने वाला अपना नुकसान पहुंचाता है, और घातक तो मर्डर ही कर देता है। पुण्य कैसा है? ओ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। 108 नंबर का कलश है, इसमें कलश आएगा 108 पर, देख लेना। अभी चलो इसमें, उसको तो कैसे रोक सकते हैं? हमें रोकना नहीं है, लेकिन दुष्ट समझना, उसको समझना, हाँ घातक समझना है। पुण्य के नाम पे तारीफ सुनना ही नहीं, पुण्य के नाम पे खुश होना नहीं, पुण्य बन रहा हो तो भी खुश होना नहीं, बिल्कुल नहीं तो हमारी हत्या कर देगा। ठीक, आगे देखो, ये हो गया 150 गाथा हुई। अगली गाथा, परमार्थ है निश्चय समय शुद्ध केवली मुनि ज्ञानी है, तिष्ठे जो उसे ही स्वभाव मुनिवर मोक्ष की प्राप्ति। जो ध्रुव में तिष्ठते हैं, परमार्थ है निश्चय, कौन ध्रुव? परमार्थ है निश्चय है, इसी का नाम समय है, इसी का नाम शुद्धता है, शुद्ध केवली, और इसी के आश्रय से केवली होते हैं, इसी के आश्रय से मुनि बनते हैं, इसी से ज्ञानी बनते हैं, और जो उसी में मरम जाते हैं उनको मोक्ष मिलता है। देखो ये गाथा हम सब कहते हैं, आप क्या बढ़िया बात बोली है, ये परमार्थ है, ये निश्चय है, इससे दूसरी कोई बात होगी नहीं, तो शुद्ध है इसी पे, इसी से शुद्ध होते हैं, इसी से केवली होते हैं, इससे मुनि होते हैं, इससे ज्ञानी होते हैं, और तिष्ठे जो उसे ही
मोक्ष होता है। अपने रुक लोगे इतना, एक सुन लो सभी लोग, मैं ध्रुव हूं ये विचार भी पुण्य है, मैं ध्रुव हूं ये विचार भी घातक है। मैं ध्रुव हूं ये भाव भी घातक है। ए अभी तब सोचे दिन नहीं करके बस हो जाएंगे, लेकिन हम ध्रुव को याद करके भी खुश हो जाएंगे। ध्रुव को ध्रुव ध्रुव ध्रुव, अब तो ध्रुव ध्रुव बोल रहे थे, ध्रुव ध्रुव बोल रहे, ठीक है बोलना बोलना, लेकिन ध्रुव विचार के खुश मत हो ना, ध्रुव से खुश मत होना, विकल्प तो रहेगा ही, विकल्प में भजन मत लाना, ध्रुव का अहम लाना, भजन उधर नहीं रखना, याद तो करना ही पड़ेगा, दिन भर ध्रुव याद करेंगे, लेकिन ध्रुव में अहम नहीं करना, ध्रुव का भजन नहीं रखना हमें तो। लेकिन बोला तो याद है, तो शादी होने पर मैं पति बन गया, तो ये याद करना ही पति पति में पति है ना, बोला तो याद है, वो तो बाबड़ो के भाई, ऐसे ही मैं ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ, ये तो बाबड़ो के भाई। देखो इतनी सी तजार नहीं छोड़ेगी, जो तिष्ठे 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 मैंने विकल्प भी ना करे, अभी आए ना, जो निज स्वभाव में तिष्ठे, परमार्थ में तिष्ठे, ध्रुव में तिष्ठे, तिष्ठे मैंने, तो 24 घंटे में ध्रुव इसकी भी मस्ती तो रहेगी, लेकिन वो कसाय कहलाएगी। अभी आपको जो ध्रुव ध्रुव की बातें करोगे, चर्चा करोगे, आनंद आएगा, वो कसाय है, और ध्रुव अकसाय है, ध्रुव अकसाय है, उसके उसका वजन रख, समझ आ रही बात, कठिन तो नहीं लग रही, अंत में जी आई थी मेट, आई बात समझ आ रही। बहुत लोग में दृष्टांत दो, 1 करोड़ का हीरा हमने आपको दिया, तो आपको हीरे की आनंद आ रहा है, ये हीरा हीरा ये हीरा ये हीरा, ऐसा आनंद आ रहा है, बोलते तो कोई आए देखो हीरा मिला, देखो हीरा मिला, तो भले ही बोलते हैं, लेकिन आनंद तो हीरे का है, ऐसे आनंद ध्रुव को जानने का, ध्रुव के विकल्प का नहीं है, ध्रुव का इससे फायदा होगा, इससे शुद्ध उपयोग हो जाएगा। आप ध्रुव के विचार करने से शुद्ध उपयोग नहीं कर सकते, ध्रुव का विचार करने से तो शुभ उपयोग होगा, क्या कहा, ध्रुव का विचार करने से तो शुभ उपयोग होगा। दृष्टांत के समझाता हूँ, जरा समझो, है ना, थोड़ी देर लिखो नहीं समझ लो, तो ये भाव अंतिम में बस अंतिम, यदि समझ में आ गया तो मोक्ष, फिर मोक्ष में मिलेंगे बस, रेडी, मैं कुछ सीधे बैठ जाओ, हाँ परमाण ऐसे तो समझ, ठीक अंतिम बात आ रही ना, देखो दृष्टांत देती है, एक हमारे पास चिंतामणि रत्न है, तो कोई आदमी क्या दिन भर चिंतामणि को देखता है, नहीं, क्या वो चिंतामणि बोलता है, नहीं, उसने तिजोरी में रख दिया चिंतामणि को, फिर रोटी बनाता है, खाता है, कमाता है, व्यापार धंधा करता है, लड़ाई झगड़ा होता है, रोता गाता है, सब करता है, इस समय में उसको चिंतामणि की याद नहीं आती, लेकिन आनंद आता है कि नहीं आता, बस एक इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। अभी ये बात मैंने क्यों कह दी, अभी मैंने तो रोक बार बार क्या कह रहा हूँ, 1 घंटे से ध्रुव का विचार करना, ध्रुव की माला फेरना, फला करना, और नहीं फेर पाओ तो आप दुखी हो जाओगे, तो इसलिए हमने दृष्टांत दिया कि मैं ध्रुव हूँ, इसका आनंद तो कहीं जा सकता ही नहीं, भले मैं ध्रुव हूँ याद करूँ नहीं करूँ, भले मैं पाप के उदय में रहूँ, पुण्य के उदय में रहूँ, खाऊँ पीऊँ कुछ भी करूँ, लेकिन ध्रुव है तिजोरी में रखा है, अब तो मेरा आनंद जा सकता नहीं, रोते हुए आनंद आएगा कि नहीं, चिंतामणि का याद करने पर आनंद आएगा या बिना याद करे भी आनंद आएगा, ऐसे ही ध्रुव का आनंद सदा होता रहेगा, इसका नाम शुद्ध। अब हमें विकल्प की भी दरकार नहीं रही, ये विकल्प हो तो आनंद हो, ये विकल्प नहीं हो तो आनंद ना हो, ये भी नहीं रहा, तो एक दिन विकल्प छूट जाएगा और शुद्ध उपयोग हो जाएगा, ये शुद्ध उपयोग का मंत्र हो गया, कौन सा मंत्र हो गया शुद्ध उपयोग का, शुद्धता का भी विचार आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक,
लाइक मेरी तिजोरी में अनादि अनंत ध्रुव सुरक्षित है, मेरी तिजोरी में अनादि अनंत ध्रुव सुरक्षित है। अभी विचार करो तो भी आनंद, नहीं आया करो तो भी आनंद, दोनों साइन अन। ये अंतिम बात हो गई टॉप, ठीक बढ़िया। अब चलो, अब आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। विचार आए तो भी ठीक। हाँ तो विकल्प हो गया ना, जो आपने कहा था कि हाँ, तो जो अशुद्ध बन जाता है वो वाला। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, हम तो इधर रहे हैं। जब जब पति ही आने वाला तो उसकी चिट्ठी आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, पति तो आ ही रहा है, ऐसे शुद्ध तो विचार करूँ तो ठीक, नहीं करूँ तो भी ठीक। अभी हमारी डिपेंडेंसी क्या है, जब अच्छा विचार आता है तो आनंद आता है, और बुरा विचार आता है तो दुख होता है। तो अब हमने क्या बता दिया, ध्रुव, तो बुरा विचार आए तो भी आनंद, और ध्रुव देखूँ तो भी आनंद। जी आपको एक मंत्र मिल गया। अभी तक काई डिपेंडेंसी थी, अच्छा विचार आए तो आनंद, और नहीं आए तो दुख, दुखी होते थे, अरे मेरे को आई नहीं रहा, नहीं आया नहीं आया। आज से सास पढ़ पाए तो भी आनंद, नहीं पढ़ पाए तो भी आनंद। अभी भाई भविष्य में हमारा संयोग नहीं रहेगा तो भी आनंद, और संयोग रहे तो भी आनंद। है वैसे इसको कहते थे हाजरा हाजिर विद्यमान छिन्न ते क्या जाए, क्या बोला, हाजरा हाजिर विद्यमान छिन्न ते क्या जाए। चलो आगे, अब पढ़ो, अब हमारी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, पढ़ो आगे। परमार्थ में नहीं तेष्ट कर जो, तप करे व्रत को धरे, तप सर्व उसका बाल हरु व्रत बाल दिन भर ने कही। इसमें श्रावक और मुनि दोनों को लिया है, उसका बाल तप है, बाल तप माने अज्ञानी का तप है, बाल माने बालक बच्चा, माने अज्ञानी जो परमार्थ में नहीं तिष्ठता, परमार्थ को नहीं जानता, ध्रुव को नहीं जानता, वो व्रत करे या तप करे, व्रत करे माने अणुव्रति, और तप करे माने महाव्रति, अणुव्रति और महाव्रति, माने चाहे वो श्रमण हो या श्रमणोपासक हो, दोनों ही पप्पू हैं, दोनों ही बालक हैं, बच्चे होते हैं ना बच्चे, ऐसा होता है, नियम है, ऐसा नियम जैसा है, लगभग नियम जैसा है 99% कि जो लोग भी दीक्षा लेते हैं वो बचपन में खेल खेल में दीक्षा जरूर लेते हैं, उन्हें बचपन से ही अच्छा लगता है। देखा आपने कभी बचपन देखा, और बचपन में उनको वही अच्छा लगता था, जब भी खेल खेलेंगे तो गोची करने जा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, भगवान का विहार करा रहे हैं, भगवान का कुछ सजा रहे हैं, मैंने कुछ ना कोई बचपन में करते हैं, मैंने ऐसा देखा है। तो वो बड़े होकर के दीक्षा ले लेते हैं, तो जो जो समर्पण निद्रा साधु को होती है वो बच्चे को होती है कि नहीं होती, नहीं होती है। इसलिए यहाँ का है वो बाल व्रत है, जैसे बच्चे खेल खेल में करते हैं ऐसे अज्ञानी भी दीक्षा लेकर के खेल खेल में करते हैं। जैसे अज्ञानी बालक को संवर निद्रा नहीं होती, ऐसे साधु को भी संवर निद्रा नहीं होती, ठीक है। कितना सरल है, देखो हर गाथा में कौन दिखा रहे हैं, हर गाथा में ऐसे पूरे ग्रंथ, अब आप पूरे ग्रंथ को आप पढ़ सकते हो बड़े आराम से। आगे व्रत नियम को धारे भरे, तपसील को भी आचरे, परमार्थ से जो पाय हो निर्वाण प्राप्ति नहीं करे। अगली गाथा, परमार्थ बागर जीव गण जाने न हेतु मोक्ष का, अज्ञान से जो परमार्थ से बाहर में हेतु ही जानते हैं मोक्ष का। तत्पाठ सूत्र में एक सूत्र है, सम्यक दर्शन स्वर्ग का कारण है, ठीक है, सम्यक पंच, ठीक है, देव गति के कारणों में लिखा है,
उपवास आदि सब लिखा, फिर क्या लगे सम्यक्त। तो इस पे बहुत चर्चा हुई हमारे यहाँ कि सम्यक दर्शन कभी भी स्वर का कारण नहीं है। तो लिखा तो है, लिखा तो है ना, इसमें बहुत चर्चा हुई सोनगढ़ में। गुरुदेव ने ना पाट दिया कि सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, सम्यक दर्शन स्वर का कारण कभी नहीं हो सकता। फिर बहुत बहुत हुआ कोई हुई, फिर ग्रंथ में से निकल के आया कि सम्यक दर्शन के साथ रहने वाले राग से स्वर्ग होता है, तो हमें राग की प्रसिद्धि नहीं करनी, इसलिए सम्यक दर्शन को स्वर्ग का कारण कहते हैं। खरे खर सम्यक दर्शन स्वर्ग का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन की पूर्णता मोक्ष का कारण है, और सम्यक दर्शन की अपूर्णता का मतलब राग, और राग के कारण स्वर्ग होता है। समझ में आ गया? तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा ग्रंथों की टीकाओं को। दृष्टान अभी दृष्टान देने की, सर्वार्थ सिद्धि का कारण मुनिपना है, कह सकते हो? सर्वार्थ सिद्धि का कारण, कोई भी साधु बिना तो सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा सकता है ना, साधु बने बिना तो कोई सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा सकता। तो क्या अपने कह सकते हैं सर्वार्थ सिद्धि का कारण साधु बना है? नहीं। क्यों? क्योंकि साधु बने की पूर्णता मोक्ष का कारण है, और साधु बने की अपूर्णता सर्वार्थ सिद्धि का कारण है। तो अपूर्णता का मतलब राग, वो रह गया जो राग है, वो राग सर्वार्थ सिद्धि का कारण है, रत्नत्रय कारण नहीं है। ये समझो, सांत्वना पुरस्कार मिलता है ना, सांत्वना पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार का क्या मतलब निकलता है कि तू मूल पुरस्कार पाने में असफल रहा। क्या कहा? मूल पुरस्कार मिलना था, बोलो तुझे मिला ही नहीं, तो एक सांत्वना के लिए दे दिया आश्वासन ही ना। आगे समझ आ गया? कॉन्सोलेशन प्राइज, लेकिन वो क्या है, वो तो क्या करे, बच्चे का मन रख देते हैं। समझ आया? ओहो, तो स्वर्ग मिला माने क्या मिला? तेरे को मोक्ष असफलता का पुरस्कार मिला। क्या बोला? मोक्ष का सफलता, मोक्ष की असफलता का पुरस्कार का नाम सर्वार्थ सिद्धि है। सर्वार्थ सिद्धि जाना है, जो कह रहे हैं मेरे को हे भगवान स्वर्ग हो जाए, वो खुद ही कह रहा है मैं मोक्ष में फैल जाऊं। आप में से पढ़ने में कोई कमजोर था क्या? कभी कमजोर था? थे मान, कोई एक है कमजोर था, तो वो ऐसे कहता था, ये भगवान 25 नंबर आ जाए तो 5 नंबर तो ग्रेस का मिल जाएगा, 28 आ जाए तो 33 से पास हो गए, ये भगवान 28 नंबर दे देना, बस 5 नंबर तो ग्रेस का मिल जाएगा। ऐसी प्रार्थना कौन करता है? ऐसी स्वर्ग की कामना कौन करता है? हे भगवान तेरे मोक्ष ना हो। ए, समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ हो गई? पुण्य की कामना कौन करता है? पुण्योदय की कामना कौन करता है? पुण्य भाव की कामना कौन करता है? जैसे मोक्ष जाने की इच्छा हम लोग सब तो घेर के मारा है। पुण्य की मिठास को पुण्य को नहीं मारा, पुण्य को नहीं मारा, पुण्य तो दी बेस्ट होगा लेकिन उसको बिल्कुल अच्छा लगता भजन में लिखा है, भजन में पाप की तो सत्ता ही नहीं है। मुनिराज को, मुनिराज को पाप की तो सत्ता ही नहीं है। होए कदाचित सुबो प्रयोग तहिं भी रहत उदासी। साधु का लक्षण क्या है? पाप की तो सत्ता, अशुभ की तो सत्ता ही नहीं, सत्ता ही नहीं है। भजन बोलो, तेन अशुभोपयोग की सत्ता सहित विनाशी, तेन अशुभोपयोग की परिणति सत्ता सहित विनाशी है। कोई कदाच शुभोपयोग तो तह भी रहत उदासी है। ये साधु का लक्ष्य, पुण्य में खुश हो गए
लिख लो, जिस दिन मन में खुश हो जाए कोई एक दूसरे को बोल देना ए तेरे को मोक्ष नहीं जाना, तेरे को मोक्ष में फेल न होना है, हे भगवान मैं मोक्ष में फेल हो जाऊं तो मुझे स्वर्ग मिल जाए। हाँ समझ में आया कुछ? आगे चलो अगली गाथा। जीवादिका सधान समेकित ज्ञान पुस्तिका ज्ञान है राधानिवर जन चरित है अरुई ही मुक्ति पंथ। रागादि का वर्जन ही चरित्र है, दो अशुभ का अभाव ही सम्यक चरित्र है। क्या कह दिया? सुबह सुख का अभाव ही, सुबह सुख का वर्जन माने निषेध, सुबह सुख का नहीं होना ही चरित्र है। वाह यही मोक्ष का पंथ है। कौन सी का तत्वा सूत्र का पहले सूत्र का ट्रांसलेशन? तत्वा सूत्र का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी मोक्ष मार्ग, ये उसके ट्रांसलेशन हो गया इसमें। अगला देखो। विद्वान जन भूतार्थ तज व्यवहार में बर्तन करे पर कर्म संविधान तो पर संत के कर्मों का अभाव होता है, कर्म का नाश का तरीका तो साधुओं को होता है, और जो विद्वान ध्रुव को छोड़ करके कुंड में लग जाते हैं उनको तो कर्म का नाश होता नहीं है। ठीक, इस तरह से मेरे ख्याल से हो गई ना गाथा, कोई और है? हाँ है, और कितनी गाथा रह गई? वही अब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? नहीं समझ में आए तो पूछ लेना है थोड़ी सी। कितनी? 63 तक। हाँ 163। तो पढ़ना तो पढ़ लो, केवल सरल है, मतलब कुछ नहीं पढ़ना इसमें से। अब तो बस वही कहना जो सब बात हुई है। मतलब देखो एक सेम गाथा है, दृष्टांत है। मल से मल या लिप्त जो नाश पावे श्वेत पन ज्यो वस्त्र का, वस्त्र में चाहे हरा रंग लगाओ चाहे पीला रंग लगाओ चाहे काला लगाओ चाहे नीला लगाओ पीला लगाओ, लेकिन इसके स्वयं पने का तो नष्ट हो ही जाता है। ऐसा कहकर के मिथ्या अज्ञान और मिथ्या चारित्र तीनों आ गए ना, ये तीन गाथा हो गई। देखो ठीक, यह सर्वनाशी सर्वज्ञानी सॉरी यह सर्वज्ञानी दर्श भी निज कर्म से निज कर्म रज आच्छाद से संसार प्राप्त न जानता वो सब सर्व को सब रीति से। वह आत्मा सर्व को जानने देखने वाला है तथापि अपने कर्म मन से लिप्त होता हुआ व्याप्त होता हुआ संसार को प्राप्त हुआ सब प्रकार से सर्व को नहीं जानता। देखो क्या गजब है, आत्मा का स्वभाव सर्व को सब प्रकार से जानना है, मैंने लोकलोकर ज्ञाता होना है, लेकिन जैसे ही इस प्राप्त में पढ़ा तो सबको सब प्रकार से नहीं जानता। मैंने हर आत्मा में केवली बनने की ताकत है, सर्वज्ञ होने की ताकत है। कहीं जरा सा पुण्य पाप का राग करता है तो अपने केवली बने का घात हो जाता है। अगला वही सम्यक प्रतिबंधक ज्ञान प्रतिबंधक और चारित्र प्रतिबंधक तीन आए, बस होगी घाटा। ठीक है पढ़ लो समझ में आ जाएगी सर। एक थोड़ा सा कलश है, थोड़ी सी अक्षर पढ़ते हैं अपन 112 कलश। हाँ भेदोन माधव, संस्कृत में क्या लिखा? भेदोन माधव, जो भेद के रस को पी करके उन्मत्त हो रहा है। भेद का उन्मत्त समझ गए? अंतिम बोलूं कि शुरू का बोलूं? जो द्रगुण पर यही चर्चा में खुश हो रहे हैं, गुणस्थानी चर्चा में खुश हो रहे हैं, उनसे कह रहे हैं मत हो रहे मदोन मत हो रहे मदोन मत। अंतिम बोलो, अंतिम जी शुरुआत का अंतिम बोलो, मैं ध्रुव हूँ मैं ध्रुव हूँ मैं ध्रुव हूँ ये मत मत हो रहे। तू ध्रुव में भेद डाल के मदोन मत हो रहा, उसके लिए ले रहे मोह रूपी मदरा के पीने से अंदर देखो पीत मोहम
मोह रूपी मदरा के पीने से ब्रह्म रस के ब्रह्म रस कौन सा रस पी रहा है ये? ध्रुव का विचार करने वाले को भ्रम हो गया कि मैं ध्रुव का आनंद ले रहा हूँ। बिल्कुल कैसी गजब है। अभी यदि ये नहीं पढ़ा था ना तो आपको पक्के में जिंदगी भ्रम का रस पीते रहते हैं। हम तो ध्रुव को जानती है, ध्रुव का रुचि है, हमको तो ध्रुव की रुचि है, हमको वही अच्छा लगता है, ध्रुव ही ध्रुव उसकी बात ही बात था। नहीं कर पाते तो पहले बहुत अच्छा लगता था, पहले ध्रुव की चर्चा में बहुत खुमारी आती थी, अब तो आई तो चर्चा नहीं मिलती, क्या करें। आई चर्चा नहीं मिलती, ध्रुव तो है ना, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। कलश कितना बढ़िया है। ब्रह्म रस के भार से सुवासु कर्म के वेद रूपी उन्माद को जो नचाता है, सुवासु के नाच को उन्माद कर्म के वेद रूपी उन्माद को नचाता है। अब तो दिन भर ध्रुव को जान रहा है, ध्रुव नहीं नाचा तो ओ फिर क्या कर रहा, तो फिर आगे करो, आगे क्या लिखा है। ऐसे ही समस्त कर्म को अपने बल द्वारा, मैंने ध्रुव के बल के द्वारा, ध्रुव के अनुभव के द्वारा सब उखाड़ कर जा, आज से ध्रुव का विचार नहीं करेगी। क्या कहे, आज से ध्रुव का विचार प्रतिज्ञा करो कि हमें तो बड़ी मुश्किल से ध्रुव की चर्चा मिली, इतनी लाल चाहते तो ध्रुव की चर्चा मिली, और आप कह रहे प्रतिज्ञा करो कि ध्रुव का विचार नहीं। जो ध्रुव का विचार करेंगे, अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं वो नाच रही, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, जो ध्रुव के भजन गा के नाच रहे हो, जो ध्रुव की चर्चा करके खुश हो रहे हैं, एक चुप, एक दिन बोले तो प्रोफेसर चुप, सिगरेट की टाइम बोला चुप। अरे ध्रुव की विचार करके आनंद वो करे जिसे ध्रुव ना मिले, पति की याद वो करे जिसे पति ना मिले। पति को भगा दे, पति हो गया, हाँ पति अच्छे है, मेरी पति बहुत अच्छी, मेरी पति बहुत अच्छी, पति आए से गुस्सा, ऐसे ध्रुव देखने नंबर आए से तो नाराज, और ध्रुव का विचार करके खुश, नहीं आज से प्रतिज्ञा है मैं ध्रुव का विचार नहीं करूँगा, आ जाए तो आ जाए, कुंडली की तरह आ जाए तो आ जाए। अरे मैं ध्रुव में खुदा ही हूँ, पोते आप, आत्मा पोते आप, मैं तो आनंद करूँगा। ऐसे आनंद को पकड़ना तो परमार्थ में तिष्ठोगे, तो फिर आपका बाल तप और बाल ब्रत, बाल संयम, बाल शील कुछ नहीं रहेगा, फिर शील रहेगा, बाल चला जाएगा, शील रह जाएगा, तप रह जाएगा, बाल चला जाएगा। शील छोड़ना है कि बाल छोड़ना है? बालपना छोड़ना है, बचपना छोड़ना है, ध्रुव छोड़ना नहीं है, विचार करना है ना।